आदरणीय साठे साहब और मेरे सामने देवू चौधरी जी हैं, यशपाल जी हैं, पंडित जी हैं और इस प्रोग्राम की रूह रवा अनिता सिंह जी। मैं पंजाबी विच बोलांगा तो जरा अच्छा लगे क्योंकि पंजाबी अकैडमी वालों प्रोग्राम हो रहा है। दरअसल गल ये है कि सब तो पहला आज दा प्रोग्राम जो मैनू हुक्म होया कि उस्ताद वलायत खां साहब की याद में असी ये कर रहे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि असी भेंट करना चाह रहे सारे आर्टिस्ट मिलके, क्योंकि मेरा भी थोड़ी देर उन्होंने नाल तल्लुक रहा शिमला जद रहे 1966 तो लैके 71 तक। तो कदे मैं जाता सी खान साहब के कोल बैठते सीगे तो उन्होंने दर्शन करके बड़ा असी भी काफ़ी उन्होंने को सीखिया तो उन्हां दी जुदाई सानू सब नू बड़े दिल नू इतनी जबरदस्त लगी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कुछ कह नहीं सकता उस बारे से। खैर ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, एक फरिश्ता लोग सीगे। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं अपना थोड़ा जो भी तिल पुष्प मैनू आता है मैं थोड़े सामने पेश करता है। वैसे पंजाब लोग ये समझते हैं सारे कि पंजाब का कल्चर एक भंगड़ा या पॉप सिंगिंग या तुसी समझ लो हीर रांझा या कुछ, सिर्फ दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग ऑफ पंजाब। पंजाब दे विच साड़ी इतनी बड़ी पुरानी परंपरा है कि जिसका बयान नहीं कर सकते। शायद कई मेरे भरा जानते होंगे कि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास वो मुल्तान के रहने वाले सिगे। उनके पिताजी जेड़े सिगे आशू धीर वो मुल्तान के रहने वाले सिगे और दूसरे बैजू बाबरा वो बजवाड़ा एक जगह है हुशियारपुर के नेड़े कहते हैं कि उत्थे दे रहने वाले सिगे। तो हुण तुसीं अंदाजा लगा सकते पंजाब की भूमि विच किन्ने वड्डे वड्डे गायक हुए हैं और सब तो ज़्यादा गुरबाणी ने साहेब अपने गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दी सारी बाणी रागां दे विच हैगी और उन्हां दे कोल जिहड़े सीगे भाई मरदाना रबाब वजाउंदे सी और वो उस दे नाल आनंदित होकर वो अरबाब के उत्ते ही शब्द उचारते सी। तो ये इतनी पुरानी तलवंडी कराना उन्हों का उस वेले का चलिया है। होर शाम चौरासी कराना है, बहुत कराने हैं, पटियाला कराना है। तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं एलैबोरेट ज़्यादा नहीं कर सकता मगर थोड़ा थोड़ा मैं हर कराने का थोनों कोशिश करांगा कि मैं बंदशा कंपोजिशन सुना। बस ये मैं चाहना कि भी प्लीज़ सारे जने थोड़ा आशीर्वाद चाहिए आपसे इजाजत लेकर के मैं स्टार्ट करता। पहले मैं राग यमन पहाड़ी, ये एक नई इकतरा है जो शायद आपको अच्छी लगेगी। Thank you.
Yeah.
आपके सामने शाम चौरासी घराने की एक बंदिश है रात सुबह में, क्योंकि मेरे वालिद जो थे उन्होंने शाम चौरासी घराने के उनसे सीखा, तो जो विरासत में थोड़ी सी मुझे मिली है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रात सुबह में ये एसी से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा मुझे गले पे फर्क पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। गौनी बना बड़ा बड़ा गौनी बना बादा।
खुश रोशन मेरा, खुश रोशन
Oh, yeah.
इसी के साथ एक और राग मिलता जुलता है, वो भी आशिक अली खान साहब की बंदिश में सुनाने जा रहा हूं, ललिता कौड़ी के।
एक पटियाला घराने की मशहूर बंदिश है, तान कप्तान कहला गयो जगत में फतेह अली खान। तो कुछ किसी कहा था मुझे कि आप तुम सुनाइएगा, तो दो मिनट का वो सुनाने के बाद मैं आपके सामने एक जल्दी जल्दी से समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट भी मेरे पास में हैं।
पंजाब का खास अंग है सूफियाना, जो के अब सूफियाना सब कुछ सब लोग गाते हैं, मगर ये जो स्टाइल है ये मुल्तान का, मुल्तानी काफी इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको जिला काफी कहते हैं, मुल्तान के लोग इसको मुल्तानी तलंग कहते हैं। उसका एक नमूना आपके सामने अभी रखूंगा, शायद आपको पसंद आए। मुझा जना हो देता
द्रुपद स्टाइल में गाया करते थे, उसको वो टकसाली करके यानी शब्द रीत करके ये गुरु नानक देव जी से टाइम से चली आ रही थी। तो बीच में देखिए जैसे ख्याल बदला, ख्याल का टाइम आ गया, तो रबाबियों ने ख्याल ख्याल की तरह शब्दों को गाना शुरू कर दिया, जिसमें बड़े मशहूर थे पाई चांद पाई लाल। तो पाई लाल जो थे कपूरथला घराने के थे वो लोग, तो उनकी पाई लाल जी की एक शब्द जो मैंने बचपन में कभी सुना था वो इस स्टाइल से वो गाते थे, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चंद दिन पहले भाईलाल जी के बेटे गुलाम हसन, उस्ताद गुलाम हसन शक्कन साहब, वो यहाँ इंडिया तशरीफ लाए थे, तो उनके साथ भी उनको सुनने का मौका मिला हमें। अनिता जी के घर पर एक महफिल हुई, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में वहाँ भी उन्होंने गाया, तो मैं दोनों जगह था। तो उनकी क्या बात है, बड़े ऐसे बुजुर्ग लोग के वे 80 साल के मगर ऐसा प्यार गा रहे थे, माशाल्लाह क्या बात है। तो ये गुरबाणी का शब्द है, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी का लिखा हुआ है। बेसिकली तो इट इज सेट इन टू जो गुरु ग्रंथ साहब में है, राग जो है गौड़ी में, मतलब पूर्वी गौड़ी पूर्वी में है, पर वो इसको राग बहार में गाते थे। कैसे देखिए इसकी बंदिश देखो कैसे है, ये थोड़ा सा मुलाजा खुला है। कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई, कवन गुण प्राण पद Ah, 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 ah
उस्ताद फहीमुद्दीन डाकू साहब बैठे ने। मैं मैडम रीता सिंह जी बेनती कर रहा कि उन्होंने लै के स्टेज पर आन और पट्टू जी तो उन्होंने सारी टीम को फुलों के गुलदस्ते हौसला अफजाई कर डाकू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद डाकू जी।